नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहित त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष रखकर थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। मिलक में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। कोतवाली मिलक के सामने प्रतिबंधित पशुओं के सर और अवशेष रखकर कई हिंदू संगठनों ने हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ पुलिस के खिलाफ, पुलिस की कार्यशैली खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कई दर्जन कार्यकर्ता आज प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष लेकर थाने के सामने हाईवे पर रखकर बैठ गए और उन्होंने हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सीओ मलिक आक्रोशित लोगों को मनाने पहुंचे, लेकिन वह काफी देर तक उन्होंने हंगामा किया। उसके बाद में तहरीर पर मिलक थाने में पुलिस ने FIR दर्ज की, तभी सभी लोगों ने वहां से अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें तेजस 24 न्यूज। आज थाना मिलक में चौकसी की बढ़ती घटनाओं को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आए दिन चिंतित हो रहे हैं। अब से ठीक 3 दिन पहले मिलक बाईपास पे 4 नंदियों के सर, उनकी खाल, अनेक अवशेष प्राप्त हुए। बजरंग दल के जिला गौरक्षा प्रमुख मुकेश पटेल जी के द्वारा पुलिस को तहरीर भी दी गई, कसाईयों के नाम भी अवगत कराए गए, लेकिन मिलक पुलिस की कोई कार्रवाई न होना कसाईयों को मनोबल बढ़ा दिया। ठीक 3 दिन बाद आज फिर मिलक बाईपास पर ही 4 नंदियों को काट के ऑन हाईवे NH-24 नेशनल हाईवे पर डाल दिया गया। यह एक षड्यंत्र और साजिश है मुस्लिम समुदाय की। हिंदू समाज को आक्रोशित करना, उसको चुनौती देना, उसको क्रोधित करना ताकि सरकार की छवि धूमिल हो, और आए दिन ऐसी घटनाएं करके पुलिस को बदनाम, पुलिस के द्वारा हिंदुत्व को अपमानित करवाना, ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इसी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे। उन्होंने अवशेषों को रखकर हाईवे जाम करके ये मांग की, अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी सब मुजलिमों की नहीं होती तो दोबारा पुनः धरना किया जाएगा सीओ ऑफिस के सामने। पूरे जनपद रामपुर में पंचायत चुनाव के बाद कोई भी थाना नहीं बचा जहां 4-4, 5-5 गौकसी की घटनाएं नहीं हुई। रामपुर SP के द्वारा लगातार गौकसी को छूट देना, गौ तस्करों पर कोई कार्रवाई न करना गौ तस्करों के मनोबल को बढ़ाता है। आए दिन जो घटनाएं गौकसी की लगातार दिन पर दिन बढ़ रही हैं, इनके जिम्मेदार पूर्ण रूप से SP रामपुर हैं। वो गौ हत्यारों को संरक्षण देते हैं, उनकी छत्र छाया में गौरक्षण पनप रहे हैं। सरकार को धूमिल करने का काम रामपुर SP पूर्ण रूप से कर रहे हैं। आज कितने बजे की घटना है? आज सुबह 7:30 बजे संगठन के कार्यकर्ताओं को ये सूचना प्राप्त होती है कि मिलक बाईपास पर 4 नंदी वहाँ काट के डाल दिए गए। मैं, मेरे साथी मुकेश पटेल जी अनेक कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचते हैं। जब जाकर वो दृश्य देखा जाता है तो आक्रोशित होकर कार्यकर्ता सारे अवशेषों को लेकर थाने के सामने पहुंचते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। आपने मौके पर पुलिस को सूचना नहीं की थी? मौके पर पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना था कि इसको यहीं JCB बुला के गड़वा दिया जाए, इसका मेडिकल करा दिया जाए, लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं हुए, हम उनको थाने लेकर आए। तो कहीं ना कहीं मतलब पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है? पुलिस पूर्ण रूप से मामले को दबाने का काम कर रही है। रामपुर SP का दबाव है कोई भी गौकसी का मुकदमा ना लिखा जाए, गौ तस्करी के सारे मामले दबाए जाए। तो अब आपकी क्या मांग है? अगर 24 घंटे के अंदर सारे गौ तस्कर जिनके नाम हमने दिए अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो अनिश्चित काल धरना होगा, फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। द्वारा कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, गौवंशीय पशुओं के अवशेष रखकर क्या मामला है थोड़ा? ये थाना मिलक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी धनेली बाईपास पर 4 गौवंशीय पशुओं के सिर मिले हैं और उनके पैर मिले हैं, जिसको लेकर के उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें FIR पंजीकृत करा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जल्द से जल्द अभियुक्तों की पहचान कर करके उनको अरेस्टिंग कराई जाएगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, बजरंग कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं और पुलिस शांत बैठी है। पुलिस शांत नहीं बैठी है, जो पूर्व के मुकदमे लिखे गए हैं उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की गई है, उन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है और फर्दर इस तरीके की जो घटनाएं प्रकाश में आई हैं उस पर भी भविष्य में कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर, गिरफ्तारी को लेकर सर 24 आवर्स का बजरंग कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द अभियुक्तों की पहचान करके गिरफ्तारी की जाएगी।